नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर सॉल्व करेंगे, जो नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा 10 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया था। इसके फर्स्ट 55 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित सेवानिवृत्ति लाभ नहीं है? अग्रिम से, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन बराबर नहीं है, सही नहीं है। एडवांसेस फ्रॉम स्टाफ बेनिफिट फंड, ठीक है। बी है स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ग्रांट, और सी है सेटलमेंट किट पास, और डी है पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही होगा वो ए होगा, जो एडवांसेस फ्रॉम स्टाफ बेनिफिट फंड। आधा यहाँ पे है और कर्मचारी फंड ये अलग है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट है, और पोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री मूव फास्ट जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू है, फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ यानी कि पीटीओ का पूरा नाम क्या है? तो पीटीओ का पूरा ये होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, जो विशेष टिकट आदेश जो है, ऑप्शन सी यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, 1923 के कामगार संरक्षण अधिनियम के तहत मुआवजा निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्यान में नहीं लिया जाता है? पहला है चोट की प्रकृति, कर्मचारी की आयु, कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति और कर्मचारी की कमाई क्षमता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कंसिडर्ड वाइल डिटरमाइनिंग कंपनसेशन अंडर द वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923? तो ऑप्शन सी जो है यही इसका सही आंसर होगा। वर्कर्स कर्मचारी की जो वैवाहिक स्थिति है उसको, मतलब मैरिड है या अनमैरिड, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर है, भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज लोकेटेड? तो जो सही आंसर है वो है आपका नासिक, ऑप्शन सी। ठीक है, एक बात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री के हिसाब से आपको याद रखनी है कि 2009 में वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया इम्प्लाइज कंपनसेशन एक्ट के तहत। ठीक है, ठीक है, ये और इसके अंदर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट जो है वो 1 जुलाई 1924 से लागू है, ये सही है। ठीक है, हाँ ये सही रहेगा। एक और बात है इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन के तहत, जो 99/2016 जो है ना, इसका आरबी नंबर आप पढ़ सकते हैं, तो ये काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम धन्यवाद करना चाहेंगे राजू साहब और दूसरे अन्य साथियों का जिन्होंने इस पेपर को हमारे साथ शेयर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव है, भारतीय रेलवे में चिकित्सा विभाग से संबंधित कौन सा नहीं है? विच इज नॉट रिलेटेड टू द मेडिकल डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवे? उम्मीद, CTSE, RLHS एंड अर्पण। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये सब हैं क्या। अर्पण जो है वो एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क है, जो कि हमारा आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद जो है यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। CTSE जो है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी है, और RLHS है रिटायर्ड रेलवे एम्प्लाइज रिटायर्ड एम्प्लाइज लिबरलाइज हेल्थ स्कीम, जो 1997 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स को देख लेते हैं। एक और बात यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो हमने देखा, जिसके तहत लखनऊ में भी दो तीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, या यूं कहें कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे के, जैसे RDSO जो है वो लखनऊ में ही है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट
मैनेजमेंट जो है, ईडी टीम बोलते हैं, IRITM, जो वो भी लखनऊ में है। और RPF का एक जो है जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो भी लखनऊ में ही है। ठीक है, सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे का एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है, IRISET सिकंदराबाद में है। और नासिक तो हो गया, पुणे भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो है वो पुणे में है। आई होप कि ये जो पेपर है काफ़ी अच्छा पेपर है, और मेरे वर्ड्स अगर आप पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आने वाले APU के एग्जामिनेशन और जो जो दूसरे और भी एग्जामिनेशन है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द अप्लीकेबिलिटी ऑफ वॉक्समैन कंबशन एक्ट 1923। ऑप्शन ए है, इट अप्लाइज ओनली द फैक्ट्रीज, इट अप्लाइज टू ऑल इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर। डी है, इट अप्लाइज ओनली द सर्टेन स्पेसिफाइड हैजर्डस इंडस्ट्रीज, इट अप्लाइज टू ऑल इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं इसको। 1923 के कामगार संरक्षण अधिनियम के आवेदन के संबंध में कौन सा असत्य है, यानी कि आवेदन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट करना चाहिए, अप्लाइज कहाँ पे होगा उसके संबंध में ये स्टेटमेंट है। हिंदी में थोड़ा कठिन है, लेकिन ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, यह केवल कारखानों में लागू है, ये गलत है ऑप्शन। इसका प्रयोग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से संबंधित सभी उद्योगों के लिए होता है, ये भी गलत है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट जोखिम उद्योगों के लिए होता है, ये भी गलत है। जो डी है ऑप्शन, ये हमारा सही होगा। यहाँ पे जो है कह रहा है कि यह सूची में निर्दिष्ट सभी उद्योगों और संस्थानों में लागू होता है, तो कौन सी सूची में, तो शेड्यूल 2 में जो शेड्यूल 2 है हमारा, इसके अंदर उसमें जो डिफाइन किया हुआ है उसके हिसाब से सब पे लागू होता है। द एक्ट अप्लाइज टू द फैक्ट्री माइंस प्लांटेशन ट्रांसपोर्टेशन एस्टेब्लिशमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स रेलवे एंड अदर हैजर्डस ऑक्यूपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। तो ये जो मैंने आपको फैक्ट्रीज माइंस प्लांटेशन ट्रांसपोर्टेशन एस्टेब्लिशमेंट कंस्ट्रक्शन ये सब बताया, और रेलवे पे भी जो लागू होता है वो शेड्यूल 2 के आधार पे लागू होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब गाड़ी को सहायक ट्रेनों ट्रेन में मदद करने के लिए वास्तविक रूप से बैंकर नियुक्त किया जाता है तो किलोमीटरेज की गणना कैसे की जाएगी। देखिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। वास्तविक दूरी की यात्रा की, तो यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, पकड़िए इस बात को। मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ कि इन द केस ऑफ रनिंग स्टॉप, रिपीट करूंगा, इन द केस ऑफ रनिंग स्टॉप वर्किंग ट्रेन्स ऑन ऑल घाट सेक्शंस वेयर द बैंकर्स इज एक्चुअली इम्प्लाइड इन असिस्टिंग द ट्रेन, द कॉम्पुटेशन ऑफ किलोमीटर शैल बी डैश द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, इन केस ऑफ रनिंग स्टॉप वर्किंग ट्रेन्स ऑन ऑल घाट सेक्शंस वेयर द बैंकर्स इज एक्चुअली इम्प्लाइड इज इन असिस्टिंग द ट्रेन, द कॉम्पुटेशन ऑफ किलोमीटर्स शैल बी डैश टू एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल। तो 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, अन नन ऑफ दिस। तो एक्चुअली इसका आंसर डी होगा, ये एक्चुअली 5 टाइम्स होता है। ठीक है, ये एक्चुअली 5 टाइम्स होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए रनिंग अलाउंस। ऑप्शन ए है, ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस। बी है, आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस। सी है, आउट स्टेशन रिलीविंग अलाउंस। एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज राइट है। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन सा एक चलने वाला भत्ता है, यानी कि रनिंग अलाउंस है, विश्राम भत्ता, बाहरी निरीक्षण भत्ता, बाहरी रिलीविंग भत्ता और उपरोक्त में सही। तो ये उपरोक्त में से सभी सही आंसर होगा। रेलवे परिचालन तंत्र में RCT का सही रूप क्या है, रेलवे परिचालन तंत्र में RCT का सही रूप क्या है। तो
आरसीटी आपको पता ही है, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर लग रहा है मुझे, आप भी देख लीजिए, यही सही आंसर होगा। है मेरे वर्ड्स, होगा का मतलब है ही है, क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। चलो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रेलवे में लार्जेस्ट में ई का अर्थ क्या है? अधिकार, बे, विनिमय और इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन जो है ए इंटाइटलमेंट, एक्सपेंसेस, एक्सचेंज। तो रेलवे में जो लार्जेस्ट का जो मतलब है ना, वो ई से इम्प्लाईमेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली लार्जेस्ट का फुल फॉर्म है लिबरलाइज्ड एक्टिव रिटायरमेंट स्कीम फॉर ग्रांटेड इम्प्लाईमेंट फॉर सेफ्टी स्टाफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। पृथ्वी तो अवकाश किस अंतराल के भीतर प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए है 6 महीने, बी है 3 महीने, सी है 4 महीने और डी है 15 महीने। 15 दिन मिलेगा और ये 6 महीने के भीतर लिया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इंग्लिश में अगर इसको पढ़ें तो ये कुछ है, इस तरह आएगा कि विथ इन विच इंटरवल पैटर्निटी लीव विल बी ग्रांटेड। तो 6 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ एंड 15 डेज। तो 6 मंथ इज द राइट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडर द वर्क्समैन कमीशन एक्ट 1923, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग एन एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन इंजुरी टू ए वर्कर? ऑप्शन ए है 24 आवर, 48 आवर्स, सी इज 7 डेज एंड डी इज 14 डेज। 1923 के कामगार संरक्षण अधिनियम के तहत एक कर्मचारी को चोट आने पर रिपोर्ट करने का समय सीमा क्या है? ए है 24 घंटे, बी 48 घंटे, सी 7 दिन और डी 14 दिन। तो अगर आप देखने जाएं तो जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनको 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट करनी होती है, सूचना देनी होती है, और जो श्रम आयुक्त की घटना की 7 दिन के अंदर सूचना देकर उस पर रिपोर्ट डायग्राम वगैरह बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ जिक्र नहीं किया गया, लेकिन अगर रिपोर्ट की केवल बात करते हैं तो हम 7 दिन पे जाएंगे, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर ये सूचना चोट आने पर सूचना देने का समय अगर देखेंगे तो 48 घंटे का होगा, क्योंकि सभी संबंधित अधिकारी या लेखाधिकारी होते हैं उनको 48 घंटे के अंदर सूचना देना पड़ता है। ठीक है, और श्रम आयुक्त को घटना की रिपोर्ट जो है वो 7 दिन के अंदर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर मेरे हिसाब से ये है, फिर भी आप अपने हिसाब से जांच करें और अगर कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पे टिप्पणी कर सकते हैं, उसको मैं ओपन कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन टायर टू अकाउंट ऑफ एनपीएस? ऑप्शन ए है 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, 14% ऑफ बेसिक सैलरी, सी इज इंडिविजुअल कैन चूज वाइल ज्वाइनिंग द स्कीम एंड डी इज नो कंट्रीब्यूशन। एनपीएस के टायर टू खाते में सरकार का योगदान का प्रतिशत है मौद्रिक वेतन का 10%, मौद्रिक वेतन का मतलब बेसिक सैलरी का 14%। जब व्यक्ति व्यक्ति जब क्रम कार्यक्रम में शामिल होता है, शामिल हो सकता है, और डी है कोई योगदान नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो सरकार जो हमें देती है वो 14% है, 14% ऑफ द बेसिक सैलरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। यही सही है, इसका निष्कर्ष निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी? पहला है इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 6 मंथ और ए फाइन अप टू 10,000। बी है इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 1 ईयर और ए फाइन ऑफ अप टू 20,000 रुपीज़। सी है इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 2 ईयर्स और ए फाइन अप टू 50,000 एंड डी इज इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 3 ईयर्स और ए फाइन अप टू 1 लाख रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, 14 कहता है कि निर्माण कारखाने अधिनियम 1948 के तहत नियुक्त एक निरीक्षक को यानी कि वेलफेयर इंस्पेक्टर को कर्तव्य निभाने में बाधा डालने के लिए क्या दंड है? तो ऑप्शन ए है 6 महीने का कैद या 1,000 रुपये की जुर्माना, 10,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, तो आप यहाँ पे ए ले सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि 6 मंथ और 10,000 यही इसके फाइन लगती है। हम आगे ऑप्शन पे नहीं जाते हैं, अपना समय बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, विच पैराज डील्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। तो फैक्ट्री एक्ट का जो पैरा नंबर 67 है वो प्रोविजन प्रोहिबिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए यंग चिल्ड्रेन के बारे में बताता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे कहा, यहाँ पे कि कौन सा पैरा कारखाना निर्माण कारखाना अधिनियम 1948 के तहत बच्चों से रोजगार संबंधित प्रावधानों का प्रावधानों संबंधित है। तो पैरा 67 राइट आंसर होगा। पैरा 68(2) जो है वो मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस के बारे में है। ठीक है, तो यही यही है क्योंकि 67 कहता है कि नो चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14 ईयर शैल बी रिक्वायर्ड टू अलाउ टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। जो 14 साल से कम है उनको कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा, इसका प्रतिबंध उस पर लगाया गया है। तो यहाँ पे यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा धारा निर्माण कारखाने अधिनियम 1948 के तहत खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। धारा 48, 41, 58 और इनमें से कोई नहीं। विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 डील्स विद द प्रोविजन रिलेटेड टू हैजर्डस प्रोसेसेस। सेक्शन 48, 41, सेक्शन 58 और नन ऑफ दिस। तो जो ऑप्शन जो है बी जो 41 वाला है ना, ये सही आंसर है इसका। हाँ 41 सही है। 48 जो है, 48 जो है ये क्रिंच जो होते हैं ना 30 बच्चों से ऊपर के लिए जो पालने वालने की व्यवस्था होती है उससे रिलेटेड है, और 58 जो है वो प्रोविजन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्टेड शिफ्ट से रिलेटेड है। ओवरलैपिंग प्रोविजन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेलवे सेवा आचार संहिता नियम यानी कि रेलवे कंडक्ट रूल, ठीक है 1966 के नियम कौन से नियम के तहत भेंट स्वीकार करना वर्जित है। तो रूल नंबर 13 जो है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, रूल नंबर 13 जो है वो भाष है, और रूल नंबर 13A जो है वो दहेज से रिलेटेड है। रूल नंबर 12 जो है वो चंदे से रिलेटेड है। ठीक है, रूल नंबर जो 6 है वो एसोसिएशन अप्रेस में जो शामिल होने से रिलेटेड है उससे रिलेटेड है। रूल नंबर 15 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सरकारी आवास को किराए पर देना उससे रिलेटेड है या और खाली नहीं करना है इससे, उसमें काफ़ी कुछ है। तो ये जो आचार संहिता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1966 का, तो वो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंडर रूल 22 ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रनिंग स्टाफ आर प्रोविटेड फ्रॉम कंज्यूमिंग एनी इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक और ड्रग बिफोर हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ड्यूटी। तो ये 8 आवर्स है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रेल सेवाचार संहिता 1966 के नियम 22 के तहत चलने वाले कर्मचारियों के यानी कि रनिंग स्टाफ को किस समय से पहले किसी भी मद्यपान या दवा का सेवन करना वर्जित है। तो 8 घंटे 8 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, MACP के तहत वित्तीय यूनियन के लिए बहुत अच्छा का मानक कब लागू हुआ था। 25 जुलाई 2016, 25 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2016 और 25 जुलाई 2017। बेंचमार्क वेरी गुड फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MACPs केम इन टू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 25 जुलाई 2016, जो ऑप्शन ए के अंदर है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप ही है। अभी 3-4 क्वेश्चन जो हैं 17 से लेके ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी रिपीट हुए हैं, अगर मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो सबके लिए काफ़ी बेनिफिट वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन के तौर पर सेक्शन 2F के अनुसार आता है। ईमेल, लॉग बुक दोनों और इनमें से कोई नहीं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर इन्फॉर्मेशन एज पर द सेक्शन 2A ऑफ RTI 2005, ईमेल्स, लॉग बुक्स, बोथ एंड नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो बोथ होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा, दोनों ही ईमेल और लॉग बुक्स भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप मेमो जो निकलते हैं वो है, ओपिनियन को भी कई दफ़ा शामिल किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, और भी जो रिलायबल ऑर्डर्स हैं या रिलीज प्रेस रिलीज जो हैं उन सबको इंफॉर्मेशन के दायरे में रखा हुआ है। ये जो वेरी गुड किया गया है इसके लिए हम आरबी नंबर 155 यहाँ पे लिखता था, मुश्किल है 55/2016 को एक बार पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए आपको। मैं भी रिपीट करूँगा, काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 पे आ गए हैं। हटाए गए कर्मचारी के संबंध में सहानुभूति भत्ता निम्नलिखित के तहत प्रदान किया जा सकता है। ऑप्शन ए है पेंशन नियम 1993 के नियम 20, बी है पेंशन नियम 1993 के नियम 64, सी है पेंशन नियम 1993 के नियम 65, और इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, पेंशन नियम 1993 के नियम 65 के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन सी को हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैपेसिटी अलाउंस इन केस ऑफ रिमूव्ड एम्प्लॉय मे बी ग्रांटेड अंडर रूल 65 और पेंशन रूल 1993। कैपेसिटी अलाउंस इन केस ऑफ रिमूव्ड एम्प्लॉय मे बी ग्रांटेड अंडर रूल 65 और पेंशन रूल 1993, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हैं। ये रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल टू, निलंबित कर्मचारी को निम्नलिखित में से कौन सा हक प्राप्त है? अपना मुख्यालय छोड़ सकता है, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी है पीएनएम जेसीएम के बैठक में भाग लेने के लिए पास प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। रक्षा काउंसिल काउंसिल के रूप में कार्रवाई कर सकता है, ये कर सकता है, एक्ट एज ए डिफेंस काउंसिल। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज इज नॉट कवर्ड अंडर चैप्टर 4 वेलफेयर ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो ऑप्शन जो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा निर्माण कारखाने अधिनियम 1948 के अध्याय 4 कल्याण के अंतर्गत नहीं है? कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा, धोने की सुविधा, कारखानों के मुख्य निरीक्षक की यात्रा। तो यहाँ पे जो डी है ना ये नहीं है, ठीक है, ये किसी और चैप्टर में है, ठीक है। विजिट ऑफ ए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि हु इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ फैक्ट्री प्लान्स अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। फिर से रिपीट करता हूँ, हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ फैक्ट्री प्लान्स अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948? फैक्ट्री मैनेजर, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। निर्माण कारखाने अधिनियम 1948 के तहत किसकी स्वीकृति प्लान के लिए अंतिम दायित्वशील है? कारखाना प्रबंधक, राज्य सरकार, कारखाना का मुख्य निरीक्षक, और इनमें से कोई नहीं। तो मेरा आंसर जो है वो नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि एक वर्ड है ओकुपायर, OCCUPIRES, ओकुपायर्स के पास अल्टीमेट पावर का सिद्धांत दिया हुआ है। तो हमारे ऑप्शन हिसाब से इसका आंसर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्या रेलवे में किसी विशिष्ट समूह को कोई प्राथमिकता है जो मेडिकल डिकेटेगराइजेशन होने वाले कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार की बात की जाए? इज देयर एनी प्रायोरिटी टू एनी स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ मेडिकल डिकेटेगराइज्ड एम्प्लॉय फॉर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इन रेलवे? ऑप्शन है यस, प्रायोरिटी इज गिवन टू एम्प्लॉय विथ longer service tenure, B, yes,
प्रायोरिटी इज गिवेन टू इम्प्लाइज विथ डिपेंडेंट्स, सी है नो ऑल डिक्टेटराइज इम्प्लाई आर ट्रीटेड इक्वली एंड डी इज नन ऑफ द एबव। तो जो मेरा सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा कि टेन्यूर के हिसाब से उनको प्राथमिकता दी जाती है। यस, प्रायोरिटी इज गिवेन टू इम्प्लाई विथ लॉन्गर सर्विस टेन्यूर, और ये मास्टर सर्कुलर के अंदर इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस बात के लिए जो मैंने अभी स्टेटमेंट पढ़ा क्वेश्चन नंबर 25 में, इसके लिए मास्टर सर्कुलर नंबर कौन सा है आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो नॉलेज कम्युनिकेशन है वो बहुत साइड से होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि HOER इज डेल्ट इन डैश ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 1989, चैप्टर 10, अध्याय 10, अध्याय 14, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 13 एंड नॉन ऑफ द अध्याय 13। तो IRACE जो इंडियन रेलवे एक्ट जो है उसके अंदर जो है वो अध्याय 14 में इसका जिक्र किया गया है HOER का। ठीक है, सेक्शन 134 मेरे ख्याल से है उसका, सेक्शन 134। चलिए, यहाँ लिखने के लिए स्पेस थोड़ा कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। व्हाट इज द डेडलाइन फॉर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू सेंड द एनुअल रिटर्न इन फॉर्म बी एज पर द रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड रेस्ट रूल 2005? ऑप्शन ए है 15 अप्रैल, बी 15 मई, सी 30 जून एंड डी इज 31 दिसंबर। रेलवे प्रशासन को रेल कर्मचारियों काम और विश्राम समय नियम 2005 के अनुसार फॉर्म बी में वार्षिक रिटर्न भेजने का क्या समय सीमा है? 15 अप्रैल, 15 मई, 30 जून और 31 दिसंबर। जो सही आंसर है ऑप्शन बी है 15 मई। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश को एक रेलवे कर्मचारी की पर्यवेक्षी घोषित करने के लिए अधिकार है, श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, डैश इज द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई ए रेलवे सर्वेंट एज ए सुपरवाइजरी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, श्रम मंत्रालय। ठीक है, और अगर एक्सक्लूडेड वर्ड का इस्तेमाल किया गया होता तो रेल मंत्रालय हो जाता। ठीक है, यहाँ पर्यवेक्षी घोषित किया गया, सुपरवाइजरी किया गया है, एक्सक्लूडेड होता है तो रेल मंत्रालय हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, स्वास्थ्य शिक्षक और परिवार नियोजन क्षेत्र के कर्मचारी श्रेणी में आते हैं डैश, इंग्लिश में ज्यादा अच्छा इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि हेल्थ एजुकेटर एंड फैमिली प्लानिंग फील्ड वर्कर आर क्लासिफाइड एज एक्सक्लूडेड, कंटिन्यूअस, इंटेंसिव और एसेंशियल, इंटरमिटेंट। तो ऑप्शन जो होगा इसके अंदर वो एक्सक्लूडेड का होगा। तो एक्सक्लूडेड जो है, अगर हिंदी में है तो अवतरित लिखा है, उसको हम ए मान सकते हैं, एक्सक्लूडेड। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक अलाउड फॉर ए स्पेल ऑफ ड्यूटी फॉर रेलवे सर्वेंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्प्लिट ड्यूटी? ऑप्शन ए है 1, बी 2, 3, सी 3 एंड डी इज 4। रेल कर्मचारी को स्प्लिट ड्यूटी करने की आवश्यकता है तो उन्हें कितने ब्रेक की अनुमति है? तो 2 ब्रेक की अनुमति है और 3 स्पेल्स होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 ब्रेक्स एंड 3 स्पेल, 3 स्पेल्स आपको याद रखने से ज्यादा इजी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, रनिंग स्टाफ मीन्स द स्टाफ हु आर डिफाइंड टू बी सो इन रूल डैश
ऑफ द IRAC वॉल्यूम 2। ऑप्शन है रूल नंबर 1501, रूल नंबर 1507, रूल नंबर 1510 एंड डी इज रूल नंबर 1505। तो रूल नंबर 1501 को देखेंगे तो स्कोप ऑफ ओवर टाइम एंड रनिंग अलाउंसेस के बारे में जिक्र किया गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, रूल नंबर 507 जो दिया है यही हमारा सही आंसर है, जिसके अंदर रनिंग स्टाफ को डिफाइन किया गया है। ठीक है, रूल नंबर 510 जो है वो अलाउंस लीव ऑफ किलोमीटर से रिलेटेड है, और रूल नंबर 5 जो है ओवर टाइम अलाउंसेज ऑफ स्टाफ नॉट कवर अंडर द रूल 503 to 504। ठीक है, तो इसका जिक्र यहाँ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या रेलवे के नियम कर्मचारियों को असहमत होने पर मेडिकल डिक्लेराइजेशन के साथ जारी रखने के लिए एक अपील प्रक्रिया प्रदान करता है? डू रेलवे रूल्स प्रोवाइड एन अपील प्रोसेस फॉर एम्प्लॉइज हु डिसएग्री विद देयर मेडिकल डिक्लेराइजेशन? तो मेरा मानना है कि यस, एन अपील कैन बी सबमिटेड टू डिजिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड। पहले CMS के पास जाना डालना पड़ता है और फिर वो एक मेडिकल बोर्ड का गठन करते हैं। तो जो ऑप्शन ए है 32 का, वो सही होगा, हमें किसी और ऑप्शन के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफाइन इन सेक्शन 130B ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट इज? भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 130B जो चैप्टर 14 के अंदर है, में परिभाषित जो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है का वर्गीकरण है, तो उसके अंदर जो है ऑप्शन जो है आवश्यक अंतराल जो लिखा है उसके जगह आप यूं पढ़ें, एसेंशियल इंटरमिटेंट, एक्सक्लूडेड बी नंबर, सी इंटेंसिव और डी इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जो मेरा जो सही आंसर है वो इनिशियली इंटरमिटेंट, जो हम वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आवश्यक अंतराल वाला, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, औद्योगिक विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता करने और समृद्धि बढ़ाने वाले व्यक्ति को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रमुख अधिकारी, बी है सुलह अधिकारी, सी है आर्बिट्रेटर और डी है कल्याण अधिकारी। जो इसको इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, द पर्सन हु मेडिटेट्स मीडिएट्स मीडिएट्स द पर्सन हु मीडिएट्स एंड प्रमोट्स द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज कॉल्ड एज ए कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। ठीक है, जिसका जिक्र इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 12 में किया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्या रेलवे सेवक को सुपरनेशन की आयु के पार काम करने की अनुमति है? कैन रेलवे सर्वेंट बी अलाउड टू कंटिन्यू वर्किंग बियॉन्ड द एज ऑफ सुपरनेशन? मास्टर सर्कुलर 33 इसको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, नहीं, सुपरनेशन पर रिटायरमेंट अनिवार्य है। नो, रिटायरमेंट एट सुपरनेशन इज मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम चलते हैं, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वर्कर शॉर्ट ऑफ मींस ए पीरियड ऑफ रेस्ट विच इज लेस देन 10 आवर्स। ओके,
निरंतर कर्मचारियों के लिए छोटा का मतलब है एक अवधि जो 10 घंटे से कम का है। ऑप्शन ए मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट को पूरा पढ़ दिया मैंने आपके लिए, कि इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वर्कर शॉर्ट ऑफ मींस ए पीरियड ऑफ रेस्ट विच इज लेस देन 10 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 37, रेलवे कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का मुआवजा कितना है? CEA का मुआवजा कितना है? दुगने दर पर 4,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया और समान दर पर, और इनमें से कोई नहीं। द रीइंबर्समेंट ऑफ CEA ऑफ फोर दिव्यांग चिल्ड्रेन ऑफ रेलवे सर्वेंट शैल बी पेबल एट, तो वो जो है डबल ऑफ द नॉर्मल रेट है, तो इस हिसाब से 4,500 रुपये अगर यहाँ पे देते तभी भी हो जाता, और अगर डबल रेट देते तभी भी मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन तिगुना और 4,000 दिया वो गलत है, और समान दर पे तो हम देते ही नहीं है, तो 4,500 रुपये ही मान लेते हैं या डबल मान लेते हैं। ऑप्शन 37 का वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच इज ट्रू फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन लीडिंग टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट इज ऑटोमेटिक अपॉन रिलीविंग ए मेजर पेनल्टी। रिटायरमेंट इज डिसाइडेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑन ए केस बाय बेसिस, एंड डी इज देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट एज अ डिसिप्लिनरी मेजर्स एंड नॉन ऑफ द अबव। शास्त्रीय क्रिया के रूप में सेवानिवृत्ति के लिए कौन सा सत्य है? डिसिप्लिनरी एक्शन के रूप में एक प्रमुख दंड प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति स्वचालित है, सेवानिवृत्ति तक डिस्क्रिशनरी प्राधिकारी द्वारा, यानी कि डिसिप्लिनरी होना चाहिए एक्चुअली, हाँ प्राधिकारी द्वारा मामले मामले पर किया जाता है, मतलब अलग अलग तरह से। संघ के लिए सेवानिवृत्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या लिया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 पे चलते हैं। यदि किसी कर्मचारी ने पदोन्नति को इनकार किया है तो उसे कितने साल तक पदोन्नति से वंचित किया जाएगा? ए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, और वंचित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन से पहले इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। इफ एन एम्प्लॉई रिफ्यूज परमिशन ही विल बी डिबार्ड फ्रॉम प्रमोशन फॉर ए पीरियड ऑफ, तो 1 ईयर के लिए ऐसा उसको डिबार किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हैं, जल्दी फटाफट समाप्त करेंगे। किस नियम के तहत उन कर्मचारियों को अधिकतम पुनर्स्थापना, सॉरी, किस नियम के तहत उन कर्मचारियों की अधिकतम पुनर्स्थापना तय की जाती है जो अन्य कैडर में शारीरिक रूप से वर्गीकृत हो गए हैं? आयरन की पैरा 312, आयरन की पैरा 313, आयरन की पैरा 311, और इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडर विच रूल इज सीनियोरिटी, अंडर विच रूल इज सीनियोरिटी ऑफ मेडिकल डिग्रीज इम्प्लाई हु आर मस्ट इन अदर कैडर। ठीक है, तो मुझे जो लगता है वो पैरा 313 है, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हेन ए सिलेक्शन इज नोटिफाइड फॉर ओनली यूआर वैकेंसीज द रिलैक्सेशन इन पासिंग मार्क अप्लीकेबल फॉर एससी कैंडिडेट्स। जब केवल युवा रिक्तियों के लिए चयन सूचित किया जाता है, एससी उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण अंक में छूट का क्या है? 10%, 5%, 20%, और कोई छूट नहीं। तो मेरा मानना है कि इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता, नो रिलैक्सेशन इज अप्लीकेबल फॉर दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच एजेंसी सेलेक्टेड स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, यूपीएससी, आरआरबी, आरआरसी और आईआरसीए। तो ऑप्शन ए जो है
यूपीएससी वही सही है। कौन सी एजेंसी विशेष कक्ष रेलवे अप्रेंटिस का चयन किया है? हिंदी में थोड़ा सेंटेंस का जो है ना वो इशू है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 है, फॉर मिस कैरेज इंक्लूडिंग अबॉर्शन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव मे बी ग्रांटेड? तो एक्चुअली 45 डेज है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सॉरी सी है, 45 डेज, सी में 45 डेज। मिस कैरेज शामिल है अविवाहित, कितने समय के लिए मैटरनिटी छुट्टी प्रदान किया जाता है? 45 डेज का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 को देख लेते हैं। व्हाट इज द फोकस ऑफ मास्टर सर्कुलर 35 ऑफ इंडियन रेलवे? तो जो 45 जो है वो ऑप्शन को भी देख लेते हैं। चलिए, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर न्यू एम्प्लॉइज, बी है गाइडलाइन फॉर प्रमोशन विथ इन ए रेलवे सर्विस, सी है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू रेलवे सर्वेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज, एंड डी इज रेगुलेशन फॉर रेलवे एम्प्लॉइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन जो मुझे ए लग रहा है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर न्यू रेलवे एम्प्लॉइज, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 44 का हमने ए दे लिया। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ गए हैं। व्हाट इज रिवाइज मेडिकल कैटेगरी फॉर अन यूनिफाइड कमर्शियल एंड टिकट चेकिंग स्टाफ आफ्टर आर्मी नंबर 28/2018? ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट सवाल है, B1, B2, C1 एंड नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे B2 और C1 का जो मैचिंग था उसको इसको रिवाइज किया गया था, और B2 जो है उसको एक, क्योंकि ये जो हाई ग्रेड मेडिकल स्टैंडर्ड था, क्योंकि C1 और B2 में B2 ही हाई है, तो उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। और B2 ही आज के डेट में कमर्शियल एंटीटी स्टाफ के लिए मेडिकल कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ DR 1968 डज स्पेसिफाई द पेनल्टीज? तो रूल नंबर 6 में जो है उसका जिक्र किया गया है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे निजस्कान जो DR रूल्स के जो है ना, मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि लोगों की डिमांड होती है कि हिंदी भी आप पढ़ा कीजिए, लेकिन हिंदी के जो सेंटेंस है वो यहाँ पे सही जम नहीं रहे हैं, मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंपलसरी डिडक्शन फ्रॉम सब्सटेंस अलाउंस, तो यहाँ पे ऑप्शन है PF सब्सक्रिप्शन, LIC प्रीमियम एंड हाउस रेंट और क्वार्टर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हाउस रेंट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो कटता रहेगा, तो अनिवास कटौती के तहत हाउस रेंट को हम यहाँ पे सही मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर, कि नियम रूल नंबर 9 क्या गया? तो रूल नंबर 9 ये है कि मेजर पेनल्टी का जो है इम्पोजिशन है वो है, और माइनर पेनल्टी का रूल नंबर 11 है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अचानक से याद आता है इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर ही इसको डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 है, 100% ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर सिलेक्शन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 196/2018, जो ऑप्शन सी में है, ये स्टेटमेंट है, ये मैंने कई बार बताया है आपको, जो 14 दिसंबर 2018 को पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, लेकिन इससे पहले एक और मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 48 में ऑप्शन बी है ना 122/2018, तो ये HBA से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें 12/18 जो है वो एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ ग्रेड पे ऑफ 4200 रुपीज़ नॉन फंक्शन ऑफ द स्टाफ वर्किंग इन द कैडर ऑफ फार्मासिस्ट जो रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 पे आ गए हैं, मास्टर सर्कुलर नंबर 27 लीगल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रेलवे सर्वेंट अप्लाइज टू। ऑप्शन ए है ओनली गजेटेड रेलवे ऑफिसर्स, बी ओनली नॉन गजेटेड रेलवे स्टाफ, एंड सी इज ऑल रेलवे सर्वेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक्स,
एंड डी इज ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लाइज इंगेज्ड फॉर टेम्पररी पोजेक्टिव। ये जो मास्टर प्रोग्राम 27 है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मुझे तो लगता है, आपको हो सकता है कि आप काफ़ी समझ जाए अच्छे से, पर मुझे इसमें थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन मैं यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना उसके साथ जाऊंगा कि ऑल रेलवे सर्वेंट रिस्पेक्टिव ऑफ रैंक्स, क्योंकि इसमें ड्यूटीज करते हुए जो है वो जो केसेस होते हैं क्रिमिनल या जो भी केसेस होते हैं उसमें ये किया जाता है, तो मैं उनके साथ जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट इज, तो ये है 10%। ठीक है, ऑप्शन सी का यहाँ पे सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसको एक बार और देख सकते हैं कि भाई इसमें 21/2019 का मामला है, तो इसको भी एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 फरवरी 2019 से ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 51 पे। अंडर डीआर रूल्स अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज मैंडेटरी इन ऑल केसेस, बी सीबीआई विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन एंड सी इज इन स्पेशल केसेस एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो एक नज़र में आपको लगेगा कि इन ऑल केसेस कर देना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। सीबीआई विजिलेंस केस के जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना उसके अंदर इसका इसकी आवश्यकता होती है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होना चाहिए। आप लोगों में से बताएं, अगर आप मेरे बात से सहमत है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सहमत है तो विथ प्रूफ आप बता सकते हैं। एक और बात कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो के अंत तक आए हैं, इसका मतलब है कि आप काफ़ी सीरियस हैं इस तैयारी के लिए ना, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कभी भी एग्ज़ाम कहीं भी हो कंडक्ट हो जाता है, तो आजकल सीबीटी भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आप मैन्युअली मतलब क्या बोलते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आप मुझे भेज सकते हैं ना, और आप चाहें तो अगर आपका पेपर है तो कहीं और जाने आने से पहले पेपर को शेयर करें ताकि लोगों का नॉलेज एनहांस हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे हैं। एज पर द मास्टर सर्कुलर नंबर 27 द मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंट ग्रांटेड फॉर लीगल एक्सपेंसेस कैन बी, ऑप्शन ए है अप टू द इंटायर कॉस्ट ऑफ लीगल डिफेंस रिगार्डिंग ऑफ द अमाउंट, बी है लिमिटेड टू ए फिक्स्ड अमाउंट स्पेसिफाइड इज इन द सर्कुलर, सी है डिटरमाइंड ऑन ए केस बाय केस बेसिस कंसिडरिंग द नेचर ऑफ केसेस एंड डी इज नॉट मेंशन इन द सर्कुलर ओनली लीगल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड। तो जो मुझे लगता है जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से नॉट मेंशन इन द सर्कुलर ओनली लीगल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, ये भी सही हो सकता है, और लिमिटेड टू ए फिक्स अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सर्कुलर, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि 10 to 50,000 के बीच में अमाउंट दिया जा सकता है जिसके लिए व्यय से पहले जो है राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक है। तो यहाँ पे हम दोनों ऑप्शन नहीं कंसिडर कर सकते, इस हिसाब से ऑप्शन बी जो होगा द मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर लीगल एक्सपेंसेस रेलवे सर्वेंट कैन बी लिमिटेड टू 10,000 to 50,000 को हम मान सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी 52 का यही सही रहेगा, और आप भी देखें पढ़िए अपने नॉलेज को एनहांस कीजिए और फिर मुझे भी बताइए, हो सकता है कि मेरी सोच कुछ अलग हो और आप कुछ अलग नज़र से देखते हो क्वेश्चन को, तो ये दिक्कत है। कई दफ़ा क्वेश्चन को पढ़ते हुए जो आपके माइंड में आता है फर्स्ट टाइम जो आता है उसको ही आंसर आप बनाएं, ये मेरा भी एडवाइस है, क्योंकि एग्जाम काफ़ी आ रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 53 है हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सेंक्शन सीटीजी फॉर रिटायर्ड नॉन गजेटेड एम्प्लॉय इन सिचुएशन वेयर द पर्सनल इफेक्ट्स वेयर मूव्ड बियॉन्ड 1 ईयर एंड अप टू 2 ईयर्स, ऑप्शन ए है जीएम, बी है पीसीपीओ, डी है डीआरएम एंड डी इज नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं जो है वो जीएम के साथ जाना पसंद करूँगा, क्योंकि मास्टर सर्कुलर नहीं मतलब मास्टर सर्कुलर नहीं कह सकते, मॉडल एसओपी 2018 के हिसाब से जो है वो हमारा जीएम ऑप्शन है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं। वैसे
पावर आर टू बी एक्सरसाइज बाई जीएम और एजीएम ही ओनली होते हैं, तो यहाँ पे एजीएम है नहीं, और पावर ऑफ डेलीगेशन के बारे में भी कोई इस प्रश्न के अंदर जिक्र नहीं किया गया है, तो जीएम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नो डाउट, अगर ये है तो। क्वेश्चन नंबर 54 है, लिम्बस इज द वेब बेस्ड पोर्टल, लिम्बस यानी कि LIMBS जो होता है, लिम्बस जो होता है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, फिर से रिपीट करता हूँ, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, इट इज ए वेब बेस्ड सोल्यूशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो हमारा बी जो है सही होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इस पार्ट का, ताकि हम समअप कर सके, हम 50 मिनट्स पे आ गए हैं। क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट ग्रेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की अमंग द फॉलोइंग, ऑप्शन ए है HAG, SAG, SG और JAG। JAG जो होता है वो सबसे लोएस्ट है, लेवल 12 पे होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर माने आप तो ये 12 नंबर पे होगा। JAG होता है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, ठीक है, SG जो होता है वो सिलेक्शन ग्रेड होता है, जो लेवल 13 पे होता है, पे मैट्रिक्स लेवल 13 की बात करूँ, 7 CBC के अनुसार, ठीक है, लेवल 13 पे सिलेक्शन ग्रेड SG होता है। उसके बाद वापस आते हैं, मतलब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब डी नंबर इज 12, सी नंबर इज 13, डी नंबर इज 14 एंड ए नंबर इज 15, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा। HAG जो होता है वो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर होता है, जो लेवल 15 का अधिकारी होता है। लेवल 14 के जो अधिकारी होते हैं SAG होते हैं, जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, जैसे कि DRM होते हैं, ठीक है, तो वो है। JAG जो है वो ब्रांच ऑफिसर हमारा होता है, जैसे कि सीनियर DPO हो गए, सीनियर DOM हो गए, या इसी तरह के जो भी सीनियर DME हो गए, तो ये अधिकारी होते हैं। SAG जो है वो DRM लेवल के अधिकारी होते हैं, जैसे कि CPM में कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है वो हो गए, या फिर CMS जो होता है वो DRM लेवल का अधिकारी होता है। तो ये इक्विवेलेंटली जनरली 4 से 5 लोग होते हैं एक डिवीजन के अंदर, जो SAG लेवल के अधिकारी होते हैं, और SAG को सिल्वर पास मिलता है, तो वो एक ध्यान रखने वाला मामला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, काफ़ी अच्छा लगा, आई होप कि आप लोगों को भी नॉलेज एनहांस हुआ होगा, तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।